जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है पूजा से उठने के बाद गुस्सा क्यों आता है। देखिए, अनेकों भक्तों का हमारे पास ये प्रश्न आया है कि महाराज जी, जब हम अपनी दैनिक पूजा से निवृत्त होके उठते हैं, उसके बाद आधा पौन घंटे तक हमको बहुत तेज गुस्सा आता है, या उस बीच में हमसे जो भी अटकता है या बात करता है तो उस पर हम काफी क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और ये प्रश्न या शिकायत अनेक भक्तों के द्वारा पूछी गई है। आज हम इस वीडियो में आपको इसका सही कारण बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें व लाभ उठाएं। देखिए, जब आप लोग पूजा पाठ में नियमित रूप से बैठते हैं और धीरे धीरे जब समय हो जाता है काफी, तो उससे होता क्या है, आप जिन ईष्ट की या जिस देव की पूजा उपासना करते हैं, तो उसका जो आशीर्वाद होता है और उसका तत्व आशीर्वाद व धनात्मक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी, वो धीरे धीरे आपके शरीर में, आपके मन में और आपकी आत्मा में प्रवेश करने लगती है। हालांकि उसकी मात्रा अत्यंत क्षीण या बहुत कम होती है, लेकिन एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जब आपको काफी समय हो जाता है तो वो बूंद बूंद से काफी आशीर्वाद, काफी धनात्मक शक्तियां आपके मन में, आपके शरीर में और आपकी आत्मा में इकट्ठी होने लगती है। नंबर एक। दूसरा कारण, जब ये आपके ईष्ट की या आपके देवता की आशीर्वाद और शक्तियां और धनात्मक शक्तियां जब आपके शरीर और मन और आत्मा में एकत्रित होने लगती हैं, तो धीरे धीरे आपका जो व्यवहार है वो भी बदलना शुरू होता है और आपका जो व्यवहार है वो आपके ईष्ट देव के अनुसार या उनके जैसा होना प्रारंभ कर देता है। दूसरी कारण। तो तीसरी कारण, जब आपके मन में, शरीर में, आत्मा में सत्य का, आशीर्वाद का और धनात्मक शक्तियों का संचय हो जाता है, तब आपका व्यवहार जो बदलता है उसकी वजह से आपको कोई भी नकारात्मक बात या गलत बात या नकारात्मक शक्ति से युक्त व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा और उदाहरण के लिए जो व्यक्ति अंडा मीट शराब का सेवन करता है, नशा करता है, झूठ बोलता है या उसका करैक्टर ठीक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति या कुतर्की व्यक्ति या असत्य बोलने वाला व्यक्ति आपको कतई अच्छा नहीं लगेगा
ऐसा व्यक्ति जब आपके संपर्क में आएगा तो आपको क्रोध निश्चित रूप से आएगा। या अगर कोई साधारण व्यक्ति भी है जिसके पास नकारात्मक शक्तियां ना भी है, लेकिन अगर उसने उल्टा सीधा प्रश्न पूछा आपसे, कुतर्क किया या मजाक किया, तो भी आपको गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में, शरीर में, आत्मा में धीरे धीरे काफी धनात्मक शक्तियां और आपके ईष्ट का आशीर्वाद इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से आपका व्यवहार भी अब बदल चुका है। अब आपको अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, काम की बातें और कम शब्दों की बातें ही अच्छी लगेंगी। इसका यही एक मुख्य कारण होता है और यही एक प्रमुख वजह है जिसकी वजह से जब आप अपनी नियमित पूजा से उठते हैं तो आपका शरीर उस वक्त धनात्मक शक्तियों से, आशीर्वाद से काफी भरा हुआ होता है या काफी पॉजिटिव चार्ज होता है उस टाइम शरीर आपका। और अगर उस वक्त और इसकी मात्रा आधा घंटे से एक घंटे तक काफी पाई जाती है, अगर इस बीच में कोई व्यक्ति आपको छेड़ दे या आपसे मजाक करे या ट्वाइंट में बात करे या कुतर्क करे या फालतू के प्रश्न पूछे या उस पर नकारात्मक शक्तियां हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आपको क्रोध अवश्य आएगा। पूजा से उठने के बाद अगर आपको क्रोध आता है तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये कोई गलत संकेत नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सही दिशा में आगे बढ़ रही है और आपको आपके ईष्ट और अपने देवता का आशीर्वाद, अंश, तत्व और धनात्मक शक्तियां धीरे धीरे आपके मन में, शरीर में, आत्मा में प्रवेश कर रही हैं और प्राप्त हो रही हैं। ये इस बात का एक स्पष्ट संकेत है। तो ये बात आपके लिए अत्यंत खुशी की है कि आपकी पूजा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बात से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब इससे बचने का जो उपाय है वो ये है कि आप अपने घर के सभी सदस्यों को ये बात पहले से बोल के रखें, एक दो बार लगातार बोलें कि जब भी मैं पूजा पाठ से उठूं तो कम से कम आधा पौन घंटे मुझसे फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं है, जो काम की बात है वही बात की जाए। एक तो ये उपाय। दूसरा, कुछ आप भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और आप ये मान के चले कि अब आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, पूजा पाठ में आपको आपके देव और ईष्ट का आशीर्वाद मिल रहा है, तो आपको भी इन सब का मान मर्यादा रखनी है और आपको हर हाल में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना और कोशिश ये करनी है कि फालतू आप ना बोलें। आप भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो इन दिक्कतों से आप बहुत अच्छी तरीके से बच पाएंगे और इस चीज से बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि आपकी पूजा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आशा है आज का ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें
और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।